तो फ्रेंड्स आज हम इस प्लांट्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसको हिंदी में हुरहुर के नाम से जाना जाता है। इसका बोटेनिकल नेम है क्लियोम विस्कोसा, इंग्लिश में इसे डॉग मस्टर्ड कहते हैं, संस्कृत में इसे पीठ पुष्पा, तिलपर्णी, पुतिगंधा, उग्रगंधा, ब्रह्मसुवर्चना और उड़िया में जंगली जीरा के नाम से जानते हैं। उर्दू में इसे हुलहुल के नाम से जाना जाता है। इस पौधे की ऊंचाई लगभग 1 मीटर तक की होती है, लेकिन यह प्लांट्स गमले में होते हुए भी लगभग 1 मीटर से ज़्यादा 1.25 मीटर के आसपास की हो गई है। इसकी पत्तियां नीचे में 5 होती हैं। नीचे की पत्तियां अभी झड़ गई हैं, बहुत सुंदर लगती थी शुरू में, और ऊपर में लगभग 3 पत्तियाँ होती हैं, कहीं 5 भी होती है और कहीं 3, और इसकी फलियाँ लगभग 3 सेंटीमीटर की होती हैं। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं पीला हुरहुर के बारे में, क्योंकि मेरे पास ये पीला हुरहुर ही है और ज़्यादातर पीला हुरहुर ही आपको देखने को भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स पीला हुरहुर यह कड़वा, तीखा, कसैला, कफयुक्त, ग्रहणशील, गर्म, स्वादिष्ट होता है। यह श्वास, सूजन, बुखार, अरुचि, मलेरिया, चर्म रोग, कुष्ठ रोग, पेट दर्द, कृमि, शूल, रक्तपित्त तथा पाण्डुनाशक होती है। यह खून को बढ़ाता है तथा कान के रोग और कफ रोगों को दूर करता है। हुरहुर का इस्तेमाल एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। हुरहुर के पौधे में टेट्रासाइक्लिन जैसे एंटीबायोटिक्स होते हैं, जो हर तरह के घाव और अल्सर को ठीक कर सकता है। दवाई बनाने में भी इस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इसके औषधीय प्रयोग, मात्रा एवं विधि के बारे में। तो पहला है सिर दर्द। इसके पत्ते के रस को निकालकर सिर में तेल की तरह लगाने से सिर दर्द ठीक होता है। दूसरा है कान दर्द या कान बहना। इसके पत्तों के रस को शहद और सेंधा नमक में मिलाकर 1 या 2 बूंद कान में डालने से कान का बहना और कान दर्द ठीक होता है। तीसरा है श्रवण विकार। हुरहुर पत्र वरु को तुलसी के पत्तों में मिलाकर 1-2 बूंद कान में डालने से श्रवण विकार ठीक होता है। चौथा है सर्दी। कान में डालने से सर्दी में राहत मिलती है। पांचवा है दाद, खाज, खुजली या चर्म रोग। इसके पत्तों को पीसकर लेप लगाने से ये सभी बीमारी, सूजन या दाद, खाज, जो खुजली है, वो सब ठीक होते हैं। छठा है अतिसार। हुरहुर रस की 15-20 ml की मात्रा में सेवन करने से आंतों के विकार और अतिसार में लाभ होता है। सातवां है बवासीर। इसके बीज के चूर्ण में बीज के चूर्ण का 2 गुना चीनी मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से खूनी और वादी दोनों बवासीर में फायदा होता है। आठवां है गठिया। हुरहुर के बीजों को पीसकर जोड़ों पर लगाने से गठिया ठीक होता है। नौवां है कृमि रोग। इसके बीजों का चूर्ण बनाकर लेने से कृमि निकल जाते हैं। दसवां है बुखार। 5 ml हुरहुर के पत्तों का रस पानी में मिलाकर सेवन करने से बुखार में लाभ मिलता है। 11वां है यकृत विकार। 1 कप बीज बनाकर 10-30 ml की मात्रा पीने से यकृत विकारों में लाभ मिलता है। 12वां है दांत में दर्द। इसके पत्तों को गर्म पानी में उबालकर या इसके पत्तों के रस मिलाकर पीने से दांत दर्द ठीक होते हैं। तो फ्रेंड्स ये हुई इसके फायदे के बारे में, और इससे कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे कि पत्तों और बीजों का उपयोग मात्रा से अधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अधिक इस्तेमाल करने पर उससे नुकसान भी होता है। तो फ्रेंड्स इसके जो फली हैं ये अभी तैयार नहीं हुए हैं, इसमें कुछ कुछ फली पहले तैयार हुई थी, उसके बीज को मैं हार्वेस्ट करके रखी हूँ। ये इसके बीज जो हैं ये राई की तरह दिखते हैं, और इसका हम लौकी का सब्जी बनाने में, तड़का वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस प्लांट्स के स्मेल हींग की तरह होते हैं और इसके पीले पीले फूल जो खिलते हैं उस पर मधुमक्खियाँ वगैरह आती रहती हैं, अट्रैक्ट होती हैं। तो फ्रेंड्स, हम जान चुके हैं कि यह एक वीड्स है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, बेनिफिशियल प्लांट्स है। तो ऐसे प्लांट्स अगर हमें मिलते हैं इधर उधर, तो इसके बीज को हमें एकत्रित कर लेना चाहिए और इधर उधर छिड़क देना चाहिए, जिससे कि और सारे प्लांट्स निकल सके। और जो ज़रूरतमंद हैं, जो इसके गुणों को जानते हैं, जो इसके बारे में जानते हैं, उसका लाभ ले सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। हैव अ नाइस डे।